प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज और कोटा टेस्ट में हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। यहाँ पे आपको टेस्ट का नंबर से आपको डिसाइड नहीं करना है, हम रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं टेस्टों को। और यहाँ पे हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग कवर करेंगे आज के इस सेशन में। आइए पहले सवाल पे हम लोग आते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, खोटा लोक साहित्य किताब एक प्रकाशन बच्चर बतावा। देखिए, हम इधर उधर की घुमा फिरा करके बातें नहीं करेंगे, कम समय बचा हुआ है, तो वैसे में ज्यादा से ज्यादा हम आपको जो प्रैक्टिस करवा सकते हैं वो प्रैक्टिस करवाने का हम प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, खोटा लोक साहित्य किताब एक प्रकाशन बच्चर बतावा। खोटा लोक साहित्य पुस्तक जो है ये बता दे कि एक ऐसा पुस्तक है जिसमें से लोक साहित्य, पूरे लोक साहित्य का संग्रह है, जिसमें से अलग अलग विधाओं की रचनाओं को उसमें संकलित किया गया है ना। लोक साहित्य के जो जो भाग है उन सभी तरह की रचनाएं उसमें संकलित है। अब सवाल उठेगा कि लोक साहित्य में भाई कौन कौन सी चीजें आती है, इसको कितने खंडों में बांटा जा सकता है, तो ये भी थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लोक साहित्य में सबसे पहले आपका आ जाता है लोकगीत। ये लोकगीत जो वो लोक साहित्य का ही भाग है। फिर इसमें आता है आपका लोक कथा, है ना, ये लोक कथा भी इसी का भाग है। लोक कथा के बाद में आता है आपका लोक गाथा, लोक गाथा, लोक गाथा के बाद में थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है कि आपको थोड़ा पसंद ना आए, लेकिन राइटिंग से ज्यादा आप कंसेप्ट पे फोकस करिएगा, राइटिंग पे बहुत ज्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा। लोक गाथा के बाद में आता है आपका लोक नाट्य। क्या आता है? लोक नाट्य। और इसके अलावा एक आता है आपका प्रकीर्ण साहित्य, है ना, प्रकीर्ण साहित्य। तो ये सभी जो वो किसके भाग हैं, ये सभी लोक साहित्य के ही भाग हैं। यहां पे आपको पढ़ना क्या क्या है लोक साहित्य में, लोकगीत पढ़ने के लिए दे रखा है, अलग अलग लोकगीत आपने पढ़ा है, 10 आपको लोक कथा भी पढ़ना है, और प्रकीर्ण साहित्य से हालांकि आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली, ये सब आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, लोकगीत और लोक कथा, ये दोनों जो वो लोक साहित्य का ही भाग है। तो हो सकता है कि सवाल कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लोकगीत ककर भाग लागे, या लोक साहित्य ककर से बहराइल है, है ना, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो एकर में कौन लोक साहित्यिक भाग नाय लागे या नाय हके, तो ऐसे में सवाल जो वो पूछा जाता है। बाकी प्रकीर्ण साहित्य में आपको पता है कि प्रकीर्ण साहित्य में फिर इसको चार भागों में बांटा जाता है, मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली और मंत्र, ये चार खंडों में इसको जो वो बांटा गया है। लोक साहित्य यह बता दे कि एक ऐसा पुस्तक है जिसके प्रधान संपादक डॉक्टर AK झा जी हैं, और इस पुस्तक का प्रकाशक संस्था जो है वो है झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोरहाबादी में। इसका जो वो आपने गया, आपने अगर कहीं देखा होगा तो जरूर, और अगर आप वहां पे गए होंगे तो इसका देखे भी होंगे जगह, है ना, तो वही इसका जो वो प्रकाशक संस्था के रूप में भी जाना जाता है, जो कि कल्याण विभाग झारखंड सरकार का है, रांची में ये स्थित है, मोरहाबादी के जगह पे। इसका प्रकाशन 2012 ईस्वी में हुआ था, यह भी सवाल जो वो पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, खोटा लोक साहित्य प्रकाशक संस्था लागे, खोटा लोक साहित्य किताब एक प्रकाशक संस्था लागे, इसका प्रकाशक संस्था कौन सा है, तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कल्याण विभाग इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, इसका आंसर हम आपको बताए थे, हाँ बता दिए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सवाल का आंसर ही हम बताना भूल जाते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं लेकिन आंसर कभी कभी भूल जाते हैं बताने के लिए, लेकिन खैर चलिए उस एक्सप्लेनेशन में हम आंसर तो बता ही देते हैं, उसका जिक्र कर ही देते हैं। खोटा लोक साहित्य किताब एक प्रधान संपादक के लागत, तो इसके प्रधान संपादक डॉक्टर AK झा जी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, खोटा लोक साहित्य किताब एक दो शब्द लिखवैया के नाम बतावा, दो शब्द लिखवैया कौन है, तो डॉक्टर प्रकाश चंद्र उराव है, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश चंद्र उराव हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या है कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो कल्याण विभाग वाला पुस्तक है उसमें से लोक कथा है, लोकगीत है, लोकगाथा है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, पहेली है, मंत्र है,
तो ये सभी चीजें वहां पे जो वो संकलित है। इसमें संपादक मंडल के कितने सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, यह भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। बता दें कि इस पुस्तक के संपादक मंडल में डॉक्टर ए के झा जी जो प्रधान संपादक हैं, उसके अतिरिक्त और भी कई सारे सहायक संपादक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिसमें से शिवनाथ प्रमाणिक है, चितरंजन महतो चित्रा है, श्याम सुंदर महतो है, बी एन ओदार है, दिनेश दिनमणि है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है, ये सभी जो वो संपादक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल है। तो हो सकता है कि यह सब सवाल आपसे जो वो पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको दो नाम भी इसमें याद रखना है। वो दो नाम कौन कौन सा है, थोड़ा सा हम एक बार आपको बता देते हैं। एक सवाल पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के आभार लिखवैया के हथिन, आभार लिखवैया के लगथिन, तो उसका नाम आपको याद रखना है सोमा सिंह मुंडा, सोमा सिंह मुंडा, ये नाम एक आपको याद रखना है। अब सवाल उठेगा कि ये सोमा सिंह मुंडा कौन है, तो बता दे कि ये उस समय के सहायक निदेशक होते हैं झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के, है ना। ये जब पुस्तक लिख रहे होते हैं, ये 12 मार्च 2010 का ये इन्होंने जो वो लिखा था, 12 मार्च 2010 ईस्वी को इन्होंने जो वो पुस्तक में इन्होंने बातें जो वो लिखी थी। इसका प्रकाशन 2012 में होता है, लेकिन इन्होंने आभार जो लिखा था वो डेट इसमें मेंशन है 12 मार्च 2010 को। सोमा सिंह मुंडा जो वो इस पुस्तक के आभार लिखवैया होते हैं। और दो शब्द लिखवैया कौन है, ये प्रकाश चंद्र उराव है। अब फिर यहां से एक और सवाल आपके मन में खड़ा होगा कि ये प्रकाश चंद्र उराव कौन है, है ना, यह भी सवाल आपसे बन सकता है या पूछ सकते हैं। तो बता दे कि ये निदेशक होते हैं, प्रकाश चंद्र उराव कौन होते हैं, निदेशक होते हैं कहां के, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के। तो दोनों में अंतर आपको समझ में, दोनों नाम आपको याद आएगा, सोमा सिंह मुंडा सहायक निदेशक, और अगर पूछा जाए कि प्रकाश चंद्र उराव उस समय के कौन थे, तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के निदेशक होते हैं। तो ये दोनों नाम भी आपको साथ ही साथ याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है खोठा सहित सदानिक व्याकरण किताब के लिखवैया के नाम बतावा। अब देखिए खोठा सहित सदानिक व्याकरण से हम आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी आपको बता देना चाहते हैं कि इससे हम 500 एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, है ना। खोठा सहित सदानिक व्याकरण ये एके झा जी का पुस्तक है, यहां से हमारा 500 एमसीक्यू जल्द ही लॉन्च होने वाला है। ये उन्हीं लोगों को ये उपलब्ध हो पाएगा जो हमारे किसी ना किसी बैच में वो जुड़े होंगे, चाहे वो फाउंडेशन का कोर्स हो या टेस्ट में भी अगर इनरोल है। ज्यादातर ये उम्मीद आपको मिल जाएगा वो हमारा खोठा का जो टेस्ट है वहां पे ये आपको क्लासेस मिल जाएगा, है ना। ये टेस्ट फॉर्म में भी होगा और इसका वीडियो भी होगा और इसका पीडीएफ भी होगा, तीनों के फॉर्मेट में ये आपका एप्लीकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जेएसएससी सीजीएल टेस्ट सीरीज अगर आपने खोठा का ज्वाइन कर रखा होगा तो ये आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगे, है ना। और ये 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके बीच में ये आपको पीडीएफ जो वो दे दिया जाएगा, साथ ही साथ में इसका एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट भी रहेगा। पूरे पुस्तक का हम निचोड़ आपको मात्र 500 एमसीक्यू में कवर कर देंगे। हालांकि 500 एमसीक्यू कम नहीं होता है केवल व्याकरण में, ऐसे तो व्याकरण में हम पहले ही कम से कम 2000 एमसीक्यू आपको दे चुके हैं, है ना। आपने देखा होगा कि 3 मैराथन क्लास हमने दिया है व्याकरण में, एक एक में किसी में 500 क्वेश्चन, किसी में 700 क्वेश्चन है, इस तरह से दे रखे हैं। फिर उसके बाद में हम आपको एक 500 एमसीक्यू जो वो खोठा व्याकरण का एक अलग से करवाए हैं, और फिर एक हम अलग से दिए हुए 1000 एमसीक्यू का। तो लगभग हम 2-3 हजार तो आपको ऐसे ही व्याकरण का ऑलरेडी पहले हम एमसीक्यू कवर करवा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोठा सहित सदानिक व्याकरण पुस्तक के लिखवैया के नाम है डॉक्टर ए के झा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एक पथिया डोंगल बहुआ किताब एक संकलनकर्ता के लागत। तो इस पुस्तक के संकलनकर्ता है संतोष कुमार महतो, संतोष कुमार महतो इनका उपनाम शांतु उपनाम से ये जाने जाते हैं, के बारे में भी आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक पथिया डोंगल बहुआ किताब एक प्रकाशन बच्छर बतावा। एक पथिया डोंगल बहुआ पुस्तक के प्रकाशन वर्ष आपसे सवाल में पूछा जा सकता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 और 2005 ईस्वी जो इसका प्रकाशन वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक प्रकाशक संस्था लागे, प्रकाशक संस्था कौन सी है एक पथिया डोंगल महुआ की? तो बता दे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक भूमिका के लिखल हत, इस पुस्तक की भूमिका लेखक कौन है? तो एक पथिया डोंगल महुआ सबसे पहले आपको पता होगा कि यह एक कविताओं का संग्रह है और इसके संकलनकर्ता संतोष कुमार मातो हैं और इसकी प्रकाशक संस्था जो वो रामधन प्रकाशन के रूप में जाना जाता है। 1990 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था और 2005 ईस्वी में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन हुआ है। इसकी भूमिका लेखक जो वो डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा इसकी भूमिका जो वो लिखी गई है। दो टुक बात, ये संतोष कुमार महतो जी ने लिखा है। और समर्पण आपसे पूछ दिया जाए कि इस पुस्तक को किसके प्रति समर्पित किया गया है, तो बता दे कि जो इस पुस्तक के संकलनकर्ता हैं, क्या नाम है, संतोष कुमार महतो है, उनके दादा थे है ना रामधन महतो, तो रामधन महतो को ये समर्पित करते हैं ये पुस्तक को, है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ किताब है कई गो कविता छपल है, इस पुस्तक में कुल कितनी कविताओं का संग्रह संकलन किया गया है? तो कुल 47 कविताओं का संकलन किया गया है। अब यहां पे आपको पढ़ना 47 है तो बोलेंगे नहीं, आपको केवल पढ़ना है 10। वो 10ों कविता के बारे में आपने जो वो याद रखा होगा और आपको याद भी होंगे अच्छे से। कौन कौन सी कविता है? हमनी सब एक, आगू करब आपन देश, जय जवान जय किसान, आज एकाए खोठा, ताबे हमें कभी ना, महुआ भनिता, रुसल भोला, मेढ़ और मानुस, देश एक जुबान, ढेसा ढेसी छोड़। 10ों कविता के आपके पास में कवियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि हमनी सब एक पानुरी जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर सवाल पूछ दिया जाए कि ढेसा ढेसी छोड़ कहकर लिखल कविता ला गए, तो उसे पारसनाथ महतो जी ने लिखा है। तो कोई भी सवाल आपसे जो वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है, सुहान लागे रे कैसन किताब लागे, सुहान लागे रे या किस प्रकार का पुस्तक है? देखिए यह एक शिष्ट गीत भी है, याद रखिएगा सुहान लागे रे यह एक शिष्ट गीत भी है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक शिष्ट गीत भी है और साथ ही साथ में यह एक पुस्तक भी है, और इस पुस्तक में क्या क्या संकलित है, शिष्ट गीत और पहेलियों का संग्रह किया गया है, संकलन किया गया है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुहान लागे रे किताब एक संपादक की लागत, सुहान लागे रे पुस्तक के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं दिनेश कुमार दिनमणि, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन अगर यहां पे सवाल थोड़ा और दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए कि सुहान लागे रे गीत ककर लिखल लागे, है ना, यहाँ पे किताब का संपादक ना पूछ करके पूछ दिया जाए कि सुहान लागे रे गीतक गीतकार के लागे, अगर गीत का गीतकार पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा इसे शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है, है ना। यह सवाल आपसे जो वो जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा किसके इस गीत को लिखा किसने है, है ना। हो सकता है कि डायरेक्ट नाम ना दे करके आपसे पूछ लिया जाए किस गीत के गीतकार कौन है, तो वहां पे आपको ध्यान रखने हैं। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है, सुहान लागे रे किताब के प्रकाशन बच्चर बतावा, सुहान लागे रे पुस्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 2006 और 2019। पहला प्रकाशन 2006 ईस्वी में होता है, दूसरा प्रकाशन 2019 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सुहान लागे रे किताब एक प्रकाशक संस्था लागे, प्रकाशक संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा प्रकाशन जैना मोड़ बोकारो और पृथ्वी प्रकाशन, ये दोनों हो जाएगा ए और बी, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें से छहर किताब एक लेखक के नाम बतावा, छहर पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा इस पुस्तक का लेखक के रूप में जाने जाते हैं चितरंजन महतो चित्रा जी को, चित्रा इनका उपनाम है। यह किस प्रकार की पुस्तक है? तो यह बता दें कि कहानियों का संग्रह है, इसमें से कुल 10 कहानी का संकलन किया गया है। आपको पढ़ना केवल 4 कहानी है, छायहर, बोनेकलोर, हम जीव कैसे और नावा छोट जिमीदार, ये 4 कहानी ही आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। पुराने सिलेबस में तो 10ों कहानी पढ़ना था, लेकिन फिर से जब सिलेबस दूसरे बार कह सकते हैं कि जब मॉडिफाइड होता है, थोड़ा सा उसमें कुछ
उसका संक्षिप्तीकरण होता है, लेकिन संक्षिप्तीकरण क्या होगा और उसको विस्तृत कर दिया जाता है ना, उसका और विस्तार दे दिया जाता है, लेकिन उसमें से कहानियों को 10 से घटा करके 4 कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक उसी प्रकार से सोंध माटी से भी 4 कहानी आपको पढ़ना है। छहर किताब एक लेखक परिचय के लिखल, छहर पुस्तक के लेखक परिचय अगर पूछ दिया जाए तो इसके लेखक परिचय जो है वो वासुदेव महतो जी के द्वारा लिखा गया है। इसका एक आपन बात लिख भैया कौन है, चितरंजन महतो है। एक बात लिख भैया गोविंद महतो जंगली है। प्रस्तावना ए के झाजी ने लिखा है। प्रकाशन कब हुआ है, 2007 में हुआ है। ये सभी सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है छहर किताब एक मंतव्य लिखवैया के लागत, मंतव्य लिखवैया कौन है, तो मंतव्य लिखवैया गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है छहर किताब एक बात लिखवैया कर नाम बतावा, एक बात लिखवैया कौन होते हैं इस पुस्तक के, तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद महतो जंगली, जंगली इनका उपनाम है। अगला सवाल है छहर किताब के प्रकाशन वर्ष बतावा, प्रकाशन वर्ष कब है, तो 2007 हम पहले बता चुके हैं, प्रकाशन वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल है छहर किताब के प्रकाशक संस्था लागे, प्रकाशक संस्था कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। या तो फिर अगर कहीं ये ऑप्शन ना दिखे तो फिर आप आंसर करिएगा झारखंड जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची वाला आंसर आप जो वो कर लीजिएगा अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो। अगला सवाल है सोंध माटी कैसन रचना लागे, तो बता दे कि इसमें से कहानी और कविता का गोच संग्रह है, लेकिन साथ ही साथ में जो नया अपडेटेड किताब आया उसमें निबंधों को भी ऐड कर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई सभी। अब बोलेंगे सोंध माटी से नाम बदल दिया गया, बोलेंगे हाँ इसका नाम अब जो वो धौवैयक धमक कर दिया गया है इस पुस्तक का, है ना, इस पुस्तक का नाम जो बदल करके इसका नाम रख दिया गया है धौवैयक धमक। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कि सवाल पूछ दिया जाए कि सोंध माटी किताबे नावा, है ना, नावा प्रकाशन कौन नाम से भेल है, तो धौवैयक धमक के नाम से हुआ है, विनोद कुमार जी इसके लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें से कहानी कविता और निबंध का संग्रह किया गया है। पहले इसमें केवल 10 कहानी और 31 कविताएं थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ कहानी कुछ कविता और कुछ निबंधों को और जोड़ करके इसका जो वो नया प्रकाशन जो वो आता है ना, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है सोंध माटी के लेखक के नाम बतावा, सोंध माटी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। अगला सवाल है सोंध माटी के पहल प्रकाशन बच्चर बतावा, पहला प्रकाशन कब होता है, तो इस पुस्तक का पहला प्रकाशन 1990 में होता है और दूसरा प्रकाशन 2017 ईस्वी में होता है। सवाल है अगला सोंध माटी किताब कर प्रकाशक संस्था के लागे, तो प्रकाशक संस्था कौन सी है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के प्रकाशक संस्था कौन है, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल है सोंध माटी किताब के दूसर प्रकाशन वर्ष, दूसरा प्रकाशन वर्ष कब है, तो 2017 है, इसका आंसर हम लोग पहले बता चुके हैं। सवाल है खोठा निबंध कैसन किताब लागे, खोठा निबंध जो वो किस प्रकार का निबंध है, तो यह निबंधों का संग्रह है, किस प्रकार का पुस्तक है ना, खोठा निबंध कैसन किताब लागे किस प्रकार का पुस्तक है, तो यह निबंधों का संग्रह है, निबंध का गोच इसमें है, गोच मतलब हो गया संग्रह, यानी एक जगह एकत्रित किया गया है। पहले तो इसमें 12 निबंध थे, लेकिन अब निबंधों की संख्या इसमें से बढ़ाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। हालांकि आपको केवल 2 निबंध ही पढ़ना है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम और फूल कर पर्व सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता, ये 2 निबंध आपको पढ़ना है, ये हम सीजीएल वाले अभ्यर्थियों के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है खोठा निबंध किताब के लेखक के नाम बतावा, तो लेखक कौन है, तो डॉक्टर बीएन ओहदार इसके लेखक हैं। सवाल है इसमें से खोठा निबंध किताब एक पहल प्रकाशन वर्ष बतावा, तो पहला प्रकाशन वर्ष कब है, 1990, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है खोठा निबंध किताब एक दूसर प्रकाशन वर्ष बतावा, दूसरा प्रकाशन इसका 2016 में होता है, हालांकि कुछ पुस्तकों में आपको 2017 भी मिलेगा, लेकिन जब आप बीएन ओहदार जी के पुस्तक में देखेंगे तो वहां पे आपको 2016 ही मिलेगा, इसलिए देख लीजिएगा जिस तरह से ऑप्शन हो उसके हिसाब से आंसर करिएगा। बाकी के अगर कोई सवाल करेंगे कि दोनों अगर हो जाए तो फिर क्या करेंगे, तो आपको बता दे कि जो लेखक है इस पुस्तक के उनके पुस्तक में तो 2016 दे रखा है, बाकी के आपको डिसाइड करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए
अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है, खोटा निबंध किताब एक प्रकाशक संस्था लागे, खोटा निबंध पुस्तक के प्रकाशक संस्था कौन सी है? तो प्रकाशक संस्था हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी रांची। अगला सवाल है, चाबी काठी कैसन किताब लागे, चाबी काठी किस प्रकार का पुस्तक है? तो यह एक नाटक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चाबी काठी नाटक के लेखक के नाम बतावा, इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है श्रीनिवास पानुरी जी ने, है ना। तो यह एक नाटक है और इसको लिखा है पानुरी जी ने। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक के भूमिका के लिखल हत, इस पुस्तक की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के द्वारा। अब यहाँ पे सवाल दो चीज आपको ध्यान रखना है, चाबी काठी जो नाटक है यहाँ पे एक चीज याद रखना है, भूमिका लेखक पूछे या संपादक पूछे, या तो भूमिका लेखक पूछे या तो फिर संपादक पूछे, दोनों में आपको आंसर करना है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। संपादन सहयोगी में श्याम सुंदर केवट रवि होते हैं, उद्गार लिखवैया रामलीला रवानी है, दो शब्द लिखवैया अर्जुन पानुरी है। 2006 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है पहली बार। प्रकाशक संस्था बाली डी खोटा बोकारो है, लेखक इसके श्रीनिवास पानुरी है और यह एक लेखक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, चाबी काठी नाटक एक दू शब्द लिखवैया के लागत, तो दो शब्द लिखवैया, दो शब्द लिखवैया कौन से हो जाएंगे इसमें सही आंसर? तो अर्जुन पानुरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, चाबी काठी नाटक के संपादक के नाम बतावा, संपादक के नाम यहाँ पे तो हम दोनों चीज बोले कि या तो भूमिका लेखक पूछे या तो फिर संपादक पूछे, गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, चाबी काठी नाटक के प्रकाशन बच्चर बतावा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2006 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन डी। सवाल है, चाबी काठी किताब के प्रकाशक संस्था लागे, चाबी काठी नाटक के प्रकाशक संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चाबी काठी नाटक के लेखक परिचय के लिखलत, लेखक परिचय कौन किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद रवानी के द्वारा लेखक परिचय जो वो लिखा गया है, या तो फिर और भी जैसे उद्गार लिखवैया रामलीला रवानी, लेखक परिचय किसने लिखा है? तो विनोद रवानी। ठीक उसी प्रकार से दो शब्द लिखवैया कौन है? अर्जुन पानुरी। भूमिका या संपादक लेखक कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटे जी। लेखक कौन है? तो पानुरी जी हैं। तो ये सभी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य है, चाबी काठी नाटक में कुल 20 दृश्य है, है ना, कुल कितने दृश्य हैं? 20 दृश्य है इस नाटक में। अगला सवाल बन सकता है, लास्ट सवाल है कि चाबी काठी नाटक में कई गो अंक है। अब देखिए, चाबी काठी नाटक में कुल कितने अंक हैं? ये सवाल हो सकता है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो अगर इस प्रकार से ऑप्शन हो तो अब तो आप एकांकी कर लीजिएगा, और अगर ऑप्शन में यह रहे कि दो गो अंक है, तीन गो अंक है, चार गो है, या तो फिर रहे फरीच ना है, एक सवाल ऑप्शन दे दे फरीच ना है, यानी स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे में आंसर आप करिएगा डी, है ना। यहाँ पे मान के चलिए ए है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन दे रखा है, तो अगर इस तरह का ऑप्शन बनाए तब आप करिएगा कि स्पष्ट नहीं है। ऐसे ये एकांकी नाटक के रूप में लिखा गया है जिसमें से कुल दृश्यों की संख्या 20 है, तो इस प्रकार से सवाल आपसे जो वो पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरे सेशन को आपने अच्छे से चीजों को समझा होगा, सीखा होगा और बहुत सारी जानकारी आपने एकत्रित भी किया होगा इस पूरे सेशन में। तो फिलहाल के लिए यह एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन को आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। अगर किसी तरह से कोई सवाल होता है, ये आंसर शीट है, इसका आंसर बुकलेट है, आप इसको मिला सकते हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको किसी तरह से कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, 30 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन पे, ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ में 50 से ज्यादा, लगभग 50 से ज्यादा जो वो एमसीक्यू का वीडियो अपलोड किया गया है, टॉपिक वाइज वहां पे आपको जो वो सारा टॉपिक वाइज भी आपको पीडीएफ और उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप टेस्ट के रूप में लास्ट टाइम पे आप हर टॉपिक को भी क्लियर कर सकते हैं इसी टेस्ट सीरीज में।
और बता दें कि ये अभी ऑफर चल रहा है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया ही लग रहा है टेस्ट के लिए, है ना, सिर्फ 99 रुपया अभी आपको लग रहा है। ये आज रात 12 बजे तक ये उपलब्ध है ऑफर, इसके बाद में फिर इसका फी जो है वो 149 हो जाएगा, जो कि आपका परीक्षा तक ये 149 ही रहेगा, है ना। लेकिन अभी आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ 99 रुपया में मिल रहा है और ये आज रात 12 बजे तक आपका ये ऑफर अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर आप ज्वाइन करिएगा। एक बार जब आप टेस्ट लगाएंगे तो जब आप परीक्षा में सवालों को देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे कि हम फिर से एक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं यहाँ पे भी क्लासरूम में भी, है ना, एग्जाम में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने टेस्ट का। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में बाकी के जेटेट जेएससी सीजीएल एलडीसी उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता एंड जितने भी परीक्षाएं हैं सभी की तैयारी अगर आप करते हैं और अगर आपने खोटा विषय का चयन किया है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। साथ ही साथ में पेपर 3 का भी टेस्ट हमारे पास में अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी टेस्ट अभी मात्र 99 रुपए में ही दिया जा रहा है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।